श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड अध्याय 115 सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम का उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत जाने के लिए कहना। मिथिलेश कुमारी सीता को विनयपूर्वक अपने समीप खड़ी देख श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना आरंभ किया। भद्रे, सम्रांगण में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वो सब मैंने किया। अब मेरे अमर्ष का अंत हो गया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ ही नष्ट कर डाला। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया। अब मेरा परिश्रम सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त एवं स्वतंत्र हो गया। जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय वो चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। ये दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन कर दिया। जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज या बल से मार्जन नहीं कर देता है उस मंदबुद्धि मानव के महान पुरुषार्थ से भी क्या लाभ हुआ। हनुमान ने जो समुद्र को लांघा और लंका का विध्वंस किया उनका वो प्रशंसनीय कर्म आज सफल हो गया। सेना सहित सुग्रीव ने युद्ध में पराक्रम दिखाया तथा समय समय पर ये मुझे हित कर सलाह देते रहे हैं। इनका परिश्रम भी अब सार्थक हो गया। ये विभीषण दुर्गुणों से भरे हुए अपने भाई का परित्याग करके स्वयं ही मेरे पास उपस्थित हुए थे। अब तक का किया हुआ इनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। इस तरह कहते हुए श्री राम जी की बातें सुनकर मृगी के समान विकसित नेत्रों वाली सीता की आंखों में आंसू भर आया। वे अपने स्वामी की हृदय वल्लभा थीं। उनके प्राण वल्लभ उन्हें अपने समीप देख रहे थे परंतु लोकावाद के भय से राजा श्री राम का हृदय उस समय विदीर्ण हो रहा था। वे काले काले घुंघराले बालों वाली कमलोचना सुंदरी सीता से वानर और राक्षसों की भरी सभा में पुनः इस प्रकार कहने लगे। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वो सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। जैसे तपस्या से भावित अंत करण वाले अथवा तपस्या पूर्वक परमात्म स्वरूप का चिंतन करने वाले महर्षि अगस्त्य ने वातापी और इलवल के भय से जीवजगत के लिए दुर्गम हुई दक्षिण दिशा को जीता था उसी प्रकार मैंने रावण के वश में पड़ी हुई तुमको जीता है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो ये युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है ये सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये दसों दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है मन से भी ग्रहण कर सकेगा। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। भद्रे, मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न वानर राज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो।
जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। जो सदा प्रिय वचन सुनने के ही योग्य थी, वे मानिनी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रियतम के मुख से ऐसी अप्रिय बात सुनकर उस समय हाथी की सूनर से आहत हुई लता के समान आंसू बहाने और रोने लगी।